पार्टनर का मोबाइल नंबर और उसका नाम मिला करके ये शब्द लिख दीजिए। जैसे ही आप ऐसा करेंगे उसके कुछ ही पलों में आएगा उनका फोन। क्यों हताश हो, क्यों निराश हो, तुम्हारे लव लाइफ में, पारिवारिक लाइफ में, मैरिटल लाइफ में, शादीशुदा जीवन में जहां भी दिक्कत है, आज के आज ये करने से ठीक होगा। जानिए पूरा विश्लेषण। आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी, आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके अपने जीवन में प्यार भरा जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपको आपसे मिलवाने के लिए निरंतर प्रयत्न किया जाता है। यहाँ शादी के पहले, शादी के बाद की हर समस्या का समाधान किया जाता है। और निश्चित तौर पर समझना, लव विद एस्ट्रोलॉजी आपको आपके साथ बड़े लेवल पे खड़ा करती है। पारिवारिक लाइफ हो, दाम्पतिक लाइफ हो, मैरिटल लाइफ हो, किसी भी कंडीशन पे हो, किसी भी सिचुएशन में हो, हम आपकी मदद करते हैं। हम आपको सफल बनाने के लिए प्रयत्नशील होते हैं और आपको श्रेष्ठ बनाने के लिए निरंतर प्रयत्नशील हैं। बड़े स्तर पर हम काम कर रहे हैं और आपको बड़ा बना रहे हैं। यहाँ पर पिछले 20 सालों से लगातार निरंतर लोगों का सपोर्ट किया जा रहा है, लोगों की मदद की जा रही है और अभी तक सफल हो चुके लोगों की संख्या 21 लाख है और सक्सेस रेट 95% प्लस है। यह सब कुछ इसलिए क्योंकि 4000 लोगों की टीम है हमारे पास, काम करने के लिए, वर्क करने के लिए, रिसर्च करने के लिए। पंडित, पुजारी, महात्मा, संत, अन्य अन्य जितने भी काम है, सब चीजों को मिला के 4000 लोगों की टीम है और आपके साथ वो कार्यरत है। यहां पर गीता, वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद, बड़े बड़े ग्रंथों पर रिसर्च होती है और फिर आपके साथ कुछ साझा किया जाता है। हम जो भी कुछ कहते हैं उसके पीछे बड़ा कारण होता है। यद्यपि आपकी अपनी बॉडी में अलग अलग चीजों की ऊर्जा और एनर्जी समाहित होती है, जैसे आपका जो भी नाम है, आपके सेम नाम वाला व्यक्ति भी आपके बगल में बैठा हो और वही नाम पुकारा जाए तो आपको भी एहसास होता है। जब तक भले ही आपको पता है कि आपके नाम का कोई और है, उसे बुलाया जा रहा है, फिर भी आपकी आपका शरीर एक्टिव हो जाता है, यानी उस नाम की ऊर्जा आपके अंदर विद्यमान है। आपका अपना बॉडी ऑर्डर, आपका अपना नाम, आपकी ऊर्जा, आपकी एनर्जी, आपका सब कुछ अलग है और सब चीजें एक दूसरे से समाहित है। तंत्र मंत्र इत्यादि बहुत कुछ करने के लिए आपका पहना हुआ कपड़ा, कहते हैं किसी को देना मत वरना कुछ किया जा सकता है। आपके बॉडी ऑर्डर की कोई भी चीज से कभी कदार बड़े बड़े प्रयोग कर लिए जाया करते हैं। तो ऐसे ही आपका मोबाइल, उसका नंबर, फोटो, नाम, सब कुछ एक दूसरे के साथ समाहित है। आज हम कह रहे हैं अपने पार्टनर का नाम और नंबर के साथ ये शब्द लिख दो। जैसे ही आप ये करेंगे तत्काल प्रभाव से उनके मन, मस्तिष्क, बुद्धि, विवेक और अंतरात्मा में आपका वास होगा। ये है तो एक छोटा सा टोटका, है तो एक बड़ा सरल सा उपाय, लेकिन इसके करने मात्र से जीवन में बड़े सारे परिवर्तन आ जाते हैं। सामने वाला व्यक्ति हर हाल में आपकी तरफ अग्रसर हो जाता है। आप चाहे ना चाहे परिस्थितियां आपके पक्ष में आके खड़ी हो जाती हैं। आपके रोने और विवश होने के बजाय आपकी प्रसन्नता का योग बनता है। ये एक ऐसा संयोग है जो कुयोग को समाप्त करने के लिए बनाया गया है। ये वो दीपक है, ये वो प्रकाश है जिससे हर हाल में अंधेरा छटता है। रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम् भाष्वान देस्यति हसेस्यति पंकजश्री। साहब, वो पंकज रूपी कमल आपके हृदय में पुष्पित और पल्लवित और फलित हो जाता है और आपके जीवन में प्यार पनपता है। आपके जीवन में स्नेह और वात्सल्य का
सरोवर बनो लहराने लगता है। एक एक अलग सी गुदगुदी है इस कार्य में। और सत्य माना, विश्व में अगर कोई बहुत रोमांचित करने वाला काम है, अगर विश्व का कोई सबसे ज्यादा आनंदित करने वाला काम है, अगर सबसे ज्यादा स्पंदित करने वाली कोई विषय है, तो वो प्रेम है, वो वात्सल्य है, वो ममता है, वो स्नेह है जो रिश्तों में पाया जाता है। धन संपदा सुख नहीं देती, जरा ध्यान से समझने की कोशिश करना। धन संपदा सुख नहीं देती, आवश्यकता की आपूर्ति करती है मात्र। आज आपको 1,000 रुपए की जरूरत है, 1,000 मिलने के बाद अगली बार 1,500 की जरूरत पड़ेगी और यह बढ़ता रहेगा। सत्य मानिए, ये भूख कभी समाप्त नहीं होती। जिसके पास 100 करोड़, 1,000 करोड़ और 1,00,000 करोड़ भी है ना, उनको भी और चाहिए, ये कभी समाप्त नहीं होती लालसा। जबकि सबको ये पता है कि धनानि भूमो बसवष्ट गोष्ठे भार्या गृह द्वार सखा स्मशाने देह चितायां परलोक मार्गे कर्मानुभोगक्षत जीवे का, सबको मालूम है ऊपर कुछ नहीं जाता, सब यही रह जाता है। फिर भी सबको बहुत कुछ चाहिए, पर एक चीज है जो ऊपर जाती है, एक चीज है जो जन्म जन्मांतर तक कंटिन्यू होती है। वो क्या? वो प्यार है जन्म जन्मांतर तक मिलने वाला। श्लोक भी यही कहता है, जहां पर हम ये कह रहे हैं कि सब कुछ यही रह जाता, वही लास्ट में क्या कह रहे हैं, धर्मानुभोग क्षति जीव एका। वो आत्मा, वो धर्म, वो प्रेम साथ लेकर जाता है, वो शाश्वत प्रेम को अपने साथ लेकर जाता है, नश्वर शरीर को छोड़कर। प्रेम जन्म जन्मांतर का बंधन है, ये बताने की बात कर रहा हूं मैं। मैं तुम्हें कोई ज्ञान नहीं सिखा रहा, मैं तुम्हें कोई बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं सिखा रहा, मैं तो सिर्फ उस उपाय की महिमा का वर्णन कर रहा हूं जो तुम आज करने वाले हो। आज हम कह रहे हैं कि नाम में बहुत सारी ऊर्जा है, बहुत सारी एनर्जी है, जिसके नाम से तुम बंधने वाले हो, जिसके नाम से तुम एक होने वाले हो, जिसके उस मोबाइल नंबर को देखकर तुम प्रसन्न हो जाते हो, जिसके उस नंबर से एक कॉल आ जाए तो तुम आंतरिक रूप से आनंदित हो जाते हो। वो सारा का सारा संयोग कहीं ना कहीं आपके साथ बंधने का काम करता है। आज जैसे ही ये उपाय करोगे, आप यकीन मानिए कि वो मेहंदी का रंग फीका पड़ जाएगा इसके आगे। हल्दी की वो चमक इसके आगे फीकी होगी। आज का ये उपाय अपने आप में सर्वोच्च स्थिति में काम करता है। पहले आदिकाल में ऐसा खड़िया से या चौक से या कोयले इत्यादि से किया जाया करता था। लोग पत्थरों पर, आज भी अगर आप कहीं बहुत पौराणिक बिल्डिंगों में जाएं, बहुत बहुत आदिकाल की चीजों में जाएं, तो आप देखेंगे वहां कुछ न कुछ लिखा पढ़ा मिलता है। केवल उतना ही नहीं, जो हम और आप जाकर के लिख के आए हैं, कुछ ऐसा भी लिखा पढ़ा मिलता है जो आदिकाल में ही लिखा गया था शिल्पकारी के माध्यम से। बहुत मेहनत का काम था, उसके बावजूद लोग लिख करके गए हैं। कोई तो कारण होगा वहां लिखने का, कोई तो रीजन होगा वहां लिखने का। कि कुछ भी जहां पर, जिस स्तर पर, जिस आकार पर आप लिखते हो, उसकी वैसी एनर्जी क्रिएट हो जाती है। समझने की कोशिश करिएगा, हमारे अध्यात्म में इसका बहुत बड़ा बल है। जब कागज पे लिखो तो कुछ और, बॉडी पर लिखो तो कुछ और, इंसान पर लिखो तो और, धातु पर लिखो तो और, भोजपत्र पर लिखो तो और, अग्नि पर लिखो तो और, जमीन पर लिखो तो कुछ और, आसमान में, हवा में लिखो कुछ और। हमारे तंत्र में, मंत्र में, पूजा में, अनुष्ठान में, यज्ञ में, दुनिया भर की चीजों में इसका बड़ा महत्व है। और ये कोई सामान्य बात नहीं है, ये कोई हल्की चीज नहीं है, ये इतना बड़ा तिलिश्म है, ये इतना बड़ा चक्र है जिसको पूरी तरह से समझने के लिए सैकड़ों साल कम लग जाए। लेकिन मैं तो तुम्हें बड़ी छोटी सी बात आज बता रहा हूं। मैं तो कह रहा हूं उनके मोबाइल नंबर और उनके नाम के साथ ये शब्द लिखना है मात्र। कहां लिखना है, किस प्रकार लिखना है और कब लिखना है, बस वो विधि तुम्हें बताने की बात बाकी रहती है। बाकी इसकी महिमा मंडन तुम इतना समझ लो कि अगर तुमने इसे पूरी श्रद्धा विश्वास से किया तो इसके बराबर शक्ति विश्व में किसी दूसरी चीज में नहीं। तुम वो सब संयोजित कर रहे हो इसमें, तुम वो सब कुछ इसमें कूट कर भर रहे हो, जिससे तुम्हारा प्यार सिर्फ तुम्हारा हो जाएगा। पूरी मन से, पूरी श्रद्धा विश्वास के साथ करना। तो ये सीधा उपाय को लेकर के चल रहे हैं, उसके पहले आपके बीच से ही आपका एक अनुभव आपको सुना रहे हैं। वॉइस मैसेज प्लीज। नमस्ते गुरु जी, आपका आपको कोटि कोटि प्रणाम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपके जितने भी उपाय मैंने देख उपाय हैं आपके, मैं मोस्टली सारे फॉलो करती हूँ। और कभी कभी मुझे बहुत प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं, मेरे घर में अनबन भी हो जाती है तो भी वो मुझे राय देती हैं। और मैंने आपसे एक दो पूजा करवाई भी हैं,
तो गुरु जी प्लीज़ आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप अपना कृपा ऐसे ही बनाए रखना। आप तो सच्ची में हम लोगों के लिए एक भगवान ही हैं कि जो हमको इतनी प्रॉब्लम्स होती हैं और हमको कोई सही रास्ता दिखाने वाला हो और हम पर अपना आशीर्वाद बनाए रखने वाले भी हों। तो थैंक यू गुरु जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच, धन्यवाद। तुम्हारे इस धन्यवाद के लिए ही काम कर रहा हूँ, सत्य मानना, तुम्हारे चेहरे पर खुशी आने के लिए काम कर रहा हूँ, यकीन मानना, ये तुम्हारा छोटा सा बल मुझे बहुत बलशाली बना देता है और मुझे बहुत ताकतवर करता है। विश्व में बहुत सारी जगहों पर मुझे बहुत हास परिहास का मनोविनोद का पात्र बनना पड़ता है। आप यकीन मानो, मैं ये जो काम कर रहा हूँ इससे मेरा वास्तविक जो मेरा परिचय है वो बहुत डाउन होता है, लेकिन उसके बावजूद हम आपके लिए खड़े हैं, हम बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे, हर हाल में आपकी मदद करेंगे, इसके लिए हम पूरी तरह से संकल्पबद्ध हैं आपके साथ। जितना भी आपको सुख मिल रहा है उस सब सुख के कहीं ना कहीं सूत्रधार आप ही हो, मैं तो सिर्फ रास्ता बता रहा हूँ, चलते तुम हो, करते तुम हो, बनाते तुम हो, श्रद्धा तुम्हारी, विश्वास तुम्हारा, काम तुम्हारा, नीति तुम्हारी, व्यवस्था तुम्हारा, मैं तो सिर्फ रास्ता बता रहा हूँ, इतना सा काम मैं कर रहा हूँ, इतना सारा तुम खुद कर रहे हो, तो तुम्हारा बड़ा सारा धन्यवाद कि तुम इस बात को समझते हो और मानते हो और अच्छी तरीके से करते हो। मैं जैसा चलाता हूँ तुम चलते हो, तभी तो सब ठीक हो रहा है, वरना कैसे ठीक होता था। तो धन्यवाद तो तुम्हारी तरफ होना चाहिए, मुझे धन्यवाद करना चाहिए, पर सत्य मानो मैं बहुत स्वार्थी हूँ, मुझे अच्छा लगता है सुनकर, इसलिए हर दिन सुनता हूँ तुम्हारी सबकी बातें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके अपने धाम में 8 जुलाई से 19 अगस्त तक एक महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। इसमें जिन भी लोगों का काम अभी तक नहीं हुआ है, जो बहुत परेशान हैं, जिनके जीवन में हर हाल में उनको अपना प्रेम, अपना संबंध, अपना रिश्ता, अपना रिलेशन ठीक करना है, वो सीधा सम्मिलित हो सकते हैं। इस महायज्ञ का विशेष प्रयोजन है आपके जीवन में हर हाल में आपको जिताना। इसमें प्राथमिकता है 125 करोड़ पार्थिव शिवलिंगों की पूजा, अनेकों अन्य कार्यक्रम भी इसमें संपादित किए जा रहे हैं। इस यज्ञ में आप तत्काल तौर पर अपना नामांकन करा लें, क्योंकि बहुत कम लोगों को हम इसमें सम्मिलित कर पा रहे हैं, हमारे पास बहुत ज़्यादा मात्रा में लोग हैं। आपको पता है कि आपके परिवार में बहुत बड़ी संख्या में लोग जुड़े हैं, मैं चाहता हूं कि आप जल्दी से जल्दी अपना नामांकन कराएं। इसमें आप वही लोग नामांकन कराएं जो इस यज्ञ में इस काल के मध्य में किसी भी दिन आकर सम्मिलित हो सकें। इसमें सबसे बड़ी प्राथमिकता यही है कि आपको सशरीर आकर के सम्मिलित होना है, क्योंकि अभी तक हम जो भी यज्ञ करते थे आपका काम फोन पे चल जाता था, इस बार आपको सशरीर आकर के इसमें सम्मिलित होना है। आप सपरिवार आ सकते हैं, इसमें भोजन प्रसाद इत्यादि की संपूर्ण व्यवस्था है। जय शिव शंकर। मैं सीधा आपको उपाय को लेकर के चल रहा हूँ। मैं आज कह रहा हूँ कि मोबाइल नंबर उनके नाम के साथ ये शब्द लिखने से आपका परिवार, घर, आपका प्यार, आपका दिल, आपका दिमाग, आपका मन, आपकी बुद्धि, आपका चित्त, आपका प्राण, आपकी जान, आपकी जीत, सब दुनिया की बात है, सब बच सकता है, सब ठीक हो सकता है। चलो धीरे से सीधे से जान लेते हैं उस उपाय को और जल्दी से कर लेते हैं इस उपाय को। आज आपको बहुत तल्लीनता से ये काम करना है। आपको छोटा सा एक सूती कपड़ा लेना है। इस कपड़े को आपको गाय के दूध या गौमूत्र से धुलकर साफ करना है। वैसे तो सही तरीका, जो वास्तविक तरीका है, वो ये शॉर्टकट तरीका, और इसका थोड़ा रियल तरीके पे आपको लेके जाता हूं। गौमूत्र, गौ गोबर, गाय का घी, थोड़ा सा शहद, और आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण, थोड़ा सा शहद के साथ अष्टगंध या कोई भी ऐसी टीका लगाने वाली चीज, उसको इसमें मिक्स करके उसके साथ धुलें और सिर्फ निचोड़कर हल्का साफ करके इसको सुखा लें। ये कपड़ा रेडी है। अब इस कपड़े पर आपको बहुत छोटा छोटा ऊपर नंबर लिखना है। नंबर इस तरीके से लिखिएगा कि सिर्फ आप समझ पाए, कभी ये कागज कोई देखे तो नंबर पढ़ने में नहीं आना चाहिए, तो बहुत मतलब ऐसी लैंग्वेज में लिखिएगा सिर्फ और सिर्फ आपको पता चले। इस नंबर के साथ साथ ठीक उसके नीचे उनका पूरा नाम लिखना है, फिर अगेन आपको कह रहा हूं वैसी भाषा में जो सिर्फ आप पढ़ सके। उसके ठीक नीचे आपको लिखना है अमल,
अमल नम, क्या लिखना है, अमल न और म, अमल नम, बस इतना सा लिख देना है। इसको कागज को फोल्ड करके आप अपने साथ रख सकते हो या मोबाइल के बैक में लगा के रख सकते हो ताकि तुम्हारे साथ ज्यादा अच्छी तरीके से रह सके। इस कार्य को जितनी श्रद्धा और विश्वास के साथ करेंगे, ये काम कोशिश करिएगा अर्धरात्रि में करने की, कोशिश करिएगा तारों की छाओं में करने की, कोशिश करिएगा थोड़ा जब रति का टाइम होता है, जब आनंद आमोद प्रमोद का टाइम होता है उस टाइम पर करेंगे तो बहुत ज्यादा फल देता है। तो खुश हो जाओ, मुस्कुराओ, सुंदर बनो, सब ठीक होने वाला है तुम्हारा। अपना बहुत ख्याल रखो, हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पियो और अपना ध्यान रखो, है ना। मैं ध्यान रख रहा हूं इसमें संदेह कहां है, पर तुम्हें खुद को भी रखना है, इसमें भी संदेह नहीं है। रोना नहीं है, परेशान बिल्कुल नहीं होना, निगेटिव होना टोटल मना है। पैसों का आदान प्रदान करना, प्रीवियस लाइफ बताना, कार्मिक अकाउंट को बार बार खराब करते रहना, एकदम टोटल मना है। इसे सबको ठीक करिए, अच्छे बनने की कोशिश करिए, मैं हर हाल में तुम्हारी मदद करूंगा। ओम नमः शिवाय। आपके अपने धाम में 8 जुलाई से 19 अगस्त तक एक महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। इसमें जिन भी लोगों का काम अभी तक नहीं हुआ है, जो बहुत परेशान है, जिनके जीवन में हर हाल में उनको अपना प्रेम, अपना संबंध, अपना रिश्ता, अपना रिलेशन ठीक करना है, वो सीधा सम्मिलित हो सकते हैं। इस महायज्ञ का विशेष प्रयोजन है आपके जीवन में हर हाल में आपको जिताना। इसमें प्राथमिकता है 125 करोड़ पार्थिव शिवलिंगों की पूजा, अनेकों अन्य अन्य कार्यक्रम भी इसमें संपादित किए जा रहे हैं। इस यज्ञ में आप तत्काल तौर पर अपना नामांकन करा लें, क्योंकि बहुत कम लोगों को हम इसमें सम्मिलित कर पा रहे हैं। हमारे पास बहुत ज़्यादा मात्रा में लोग हैं। आपको पता है कि आपके परिवार में बहुत बड़ी संख्या में लोग जुड़े हैं। मैं चाहता हूँ कि आप जल्दी से जल्दी अपना नामांकन कराएं। इसमें आप वही लोग नामांकन कराएं जो इस यज्ञ में इस काल के मध्य में किसी भी दिन आकर सम्मिलित हो सकें। इसमें सबसे बड़ी प्राथमिकता यही है कि आपको सशरीर आकर के सम्मिलित होना है, क्योंकि अभी तक हम जो भी यज्ञ करते थे आपका काम फोन पे चल जाता था। इस बार आपको सशरीर आकर के इसमें सम्मिलित होना है। आप सपरिवार आ सकते हैं। इसमें भोजन प्रसाद इत्यादि की संपूर्ण व्यवस्था है। जय शिव शंकर।